नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का राजस्थानी मारवाड़ी फोर्स यूट्यूब चैनल में। और आज आपको बहुत ही शानदार एक स्टैलियन दिखाते घोड़ा हाजी भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारी ओर से। पहले तो अपना शुभ नाम बताइए और अपने क्या नाम है फार्म का। मेरा नाम तो हनुमान राम है जी। जी, मेरे फार्म का नाम है बाटे स्टड फार्म। अच्छा, किस नगर बेड कला। अच्छा, जितान तहसील में गांव है मेरा। अच्छा, तो ये अपने जैसे कौन सा जिला वगैरह लगता है यहाँ पे। जिला तो पाली लगे साहब। अच्छा, जोधपुर पाली सीमा माते ये गाँव। अच्छा, तो कितना पड़ जाता है जोधपुर से या पाली से कोई आना चाहे। पाली से तो 70 किलोमीटर है साहब। अच्छा, जोधपुर से 75-80 किलोमीटर। अच्छा, लगभग ही पड़ता है दोनों तरफ से। ठीक है, जोधपुर जयपुर हाईवे 5 किलोमीटर अंदर है। अच्छा, तो अपने घोड़े की ये बात करें तो लाइन वगैरह की बात करें तो कौन सी लाइन का है, क्या है इसकी पेडिग्री। इसकी लाइन तो देखो साहब, सप्ताह रण सिम था नहीं वो घोड़ा। अच्छा, अलमारा का। अच्छा, काले कांटे का, उसका बच्चा ही है। अच्छा, तो क्या उम्र का हो गया ये भी। 29 महीना 30 महीना का। अच्छा, तो कवरिंग वगैरह चालू कर दी इसकी। कवरिंग अभी चालू कर दी। अच्छा, कितनी घोड़ी करवा दी कवरिंग भी। 8-9 घोड़ी करवा दी। अच्छा, तो अभी अपने फार्म पे कितने हैं घोड़ा घोड़ी। मेरे जानवर इन टाइम 10 है जी। अच्छा, 10 जानवर है जी। अच्छा, तो कितने समय से आप रख रहे हो घोड़ा घोड़ी। लगभग 10-12 साल से। अच्छा, तो मतलब ये कैसे आपका ये मानस बना कि घोड़ा में अपन को जाना चाहिए और घोड़े रखने चाहिए। ऐसे ही मैंने मानस बनाया। मेरे गांव में पहले घोड़ा रखते थे, उस हिसाब से मैंने कोई ऊँट बैठक थी और फिर बाद में रंसी से संपर्क हुआ, सवाई बना से वहाँ जाते आते और मैंने एक बच्ची खरीदी वहाँ से। रंसी से नहीं खरीदी मैंने, को दूसरी जगह से। अच्छा, फिर बाद में मैंने जानवर खरीदना स्टार्ट किया था। एक दो जानवर रखते, अभी 2-3 साल में अभी ज़्यादा जानवर रखा। अच्छा, ज़्यादा मतलब कोई फायदा वगैरह हुआ इससे। अच्छा फायदा हुआ। अच्छा, मतलब साल में 5-10 जानवर आने कर देते। अच्छा, साल के मतलब अपने घर के ब्रीड करके सेल करते हो। भी करें, अभी 7-8 घोड़ी है ठाण देने वाली है। अच्छा, हर महीने 2 महीने में एक ठाण आ जाते हैं। तो सर अपने स्टेबल में कितने घोड़े अभी और कितनी घोड़ी है। अभी 2 घोड़े है, एक तो ये पोल्ट है, दो दांत कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक और ऑस्ट्रेलियन है। अच्छा, वो किसका है। वो काले कांटे का है। अच्छा, काले कांटे का बेटा है, ये काले कांटे का पोता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और पैसे से आप एक वेटनरी डॉक्टर भी हैं। हाँ, वेटनरी कंपाउंडर काम करूँ जी। अच्छा अच्छा, तो कितने ये कितने समय से कर रहे हो आप वेटनरी। 20 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ आपसे कुछ भी थोड़ी बहुत जानकारी भी लेंगे घोड़े घोड़ी के बारे में। घोड़ा घोड़ी में ही काम करें, पीडिक भी करें, सफाई भी करें। अच्छा अच्छा, उसका इलाज भी करें। तो मतलब नहीं रुकने का क्या कारण होता है घोड़ी का। घोड़ी देखिए तो पता पड़े। अच्छा, कहीं कमी है, कोई मिनरल्स की कमी है, कोई 5 वर्ष की कमी है, कहीं कमी है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब काफी लोगों में ये दिक्कत ज्यादा आती है, घोड़ी रुकती नहीं है। अपन के तो दिक्कत नहीं आती है, अपन तो ऐसी लेते हैं। अरे सही है, अरे आप रुकी हुई। आप तो खुद ही डॉक्टर हो तो आपके तो कहाँ से आएगी कमी। और काफी लोग बोलते हैं कि घोड़ी को ज्यादा मतलब फैट वगैरह उसकी मतलब चर्बी वगैरह नहीं बढ़ानी चाहिए, ऐसा कुछ वो नहीं है। नहीं, कहीं नहीं। कमजोर घोड़ी है। अच्छा, कमजोर घोड़ी होगी तो रुकने में परेशानी आएगी। अच्छा अच्छा, तैयार घोड़ी में रुकने की परेशानी आती है। अच्छा, साइलेंट हीट रहन तब ठा नहीं पड़ा रहेगा। अच्छा, तब पता नहीं पड़ता है। और जैसे कोई अपने घोड़ी जैसे किसी ने आज उसको करवाया, क्रॉस करवाया जी। तो उसको किस किस चीजों का आप ध्यान रखें ताकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो आगे कंसीव होने में। उसमें तो क्या है, क्रॉस कराने टाइम एक तो घोड़ी को साफ सुथरा रखो। अच्छा, इस हिसाब से क्रॉस करो। एक मान लो घोड़े को इन्फेक्टेड घोड़ी मत दिखाओ, घोड़ी को इन्फेक्टेड है तो घोड़ो मत खोलो। अच्छा, घोड़ी का इन्फेक्शन है तो घोड़ो मत खोलो, घोड़ी को चेक करवा के खोलो, अंडा हो तो खोलो। अच्छा अच्छा, अंडा वगैरह सब डॉक्टर से चेक करवा के ही खोले। अभी तो युग यही है कि चेक कराने खोले, पहले तो खोल देता साथ। अच्छा अच्छा, और खाने पीने में क्या ध्यान रखना पड़ता है। खाने पीने में तो क्या, गर्मी में तो ज्यादा पानी की शिकायत कम हो जाती है, तो क्या वो तो हरा चारा भी मिलना चाहिए, सूखा भी मिलना चाहिए जानवर। अच्छा, मतलब काफी सारे लोग बोलते हैं कि यार घोड़े घोड़ी में हरा हम तो नहीं खिलाते। नहीं, जो हरा नहीं खिलाते उनको परेशानी तो आती है। हाँ,
मतलब काफी मतलब हमारे जैसे उधर काफी सारे लोग बोलते हैं कि यार हम हल हरा नहीं खिलाते और हरा घोड़ों को खिलाना भी नहीं चाहिए। कम से कम दो तीन महीने 12 महीने 2-3 महीने तो खिलाना तो सही रहेगा। सही रहे हरा तो मतलब गुस्सा आ रहा है इसको। सही है सही है, ये सब आप वैसे ही बैठ रहा है। तो इसका नाम वगैरह कुछ रखा है क्या अभी? नाम पर्वत है। अच्छा पर्वत रखा है। बस 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 बेटा बस, तेज बहुत है, तेज बहुत है। तो सर आपने ये जैसे शुरुआत की थी फर्स्ट में, तो मतलब कैसे पहले घोड़ी खरीदी थी या घोड़ा खरीदा था? अच्छा मतलब आप किसी मतलब कोई भी हॉर्स लवर है, घोड़ा प्रेमी है? अच्छा फिर बाद में लत लगी, वो बच्ची तो बेच दी, फिर बाद में बड़ी घोड़ी लाया। अच्छा फिर बाद में बड़ी लेके आया, 2-3 महीने रखी और वापस बेच दी, और मतलब जो नए जो भी अपने घोड़ा घोड़ी में मतलब 2-4 सालों में बहुत लोग घोड़ा घोड़ी में आगे नए बहुत आगे, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब घोड़ा लेना चाहिए, घोड़ा तो हर एक ले नहीं सके। सही है, बच्ची भी महंगी पड़ती है। सही है, ले लेता नहीं, ठीक रहता है। अच्छा घोड़ा दिखा देते हैं लाइन का, अच्छा बच्चा बच्ची पैदा कर लेते हैं। सही है सही है, महंगी लेनी चाहिए या सस्ती? महंगी सस्ती में बड़े साहब, जानवर अच्छा होना चाहिए। अच्छा जानवर अच्छा होना चाहिए। सही है सही है, जानवर अच्छा हो तो अच्छा पैसा बटेगा वापस। अच्छा अच्छा ठीक है। घोड़ी तो 50,000 में मिलती है, घोड़ी 5 करोड़ में मिलती है। सही है सही है, 50,000 की भी मिलती है और 5 करोड़ की, यह बात भी सही है सर। और मतलब वैसे फर्स्ट में कोई भी खरीदे तो मतलब घोड़ी खरीदनी चाहिए उसको। सही रहे साहब, बच्ची ने तो पालनी भी दोरी है, दूध पिलाओ उसको, हेट करो और वो करो और वो करो, उसमें तो तकलीफ तो आती है ना। आती है घोड़ी रहे तो कहीं है कि थोड़ी सेहटरी उड़ी रहे तो सही है। सही एक साल में बच्चा बच्चे आ जाओ। सही है घर बच्चे बच्चे आ जाओ और सीखना मिल जाता है। सही बात है। तो आपको कोई परेशानी कभी हुई घोड़े लाइन में कि भाई घोड़ा नहीं रखना चाहिए ऐसा कुछ? नहीं रखने की परेशानी नहीं है सब। अच्छा ऐसे तो चलता रहता है जानवर में, देखो आजमान तो आती रहती है। अच्छा रख रखाव अच्छा हो तो आजमान नहीं आती है। सही है सही है। ज्यादा तो ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है घोड़ों में? घोड़ों में ज्यादा तो चारा की और पानी की प्रॉब्लम आ जाती है, चारा चेंज करते हैं और पानी चेंज करते, पानी नहीं पीते तो कोई कोलिक वगैरह की प्रॉब्लम, चांस रहे बुखार भी चांस रहे कोई हो जाती। ठीक है सर। और ये लेमिनाइटिस बोलते हैं ना, पैर खराब हो गए तो ये किस कारण से होते हैं, क्या प्रॉब्लम? तो गर्मी में चलाए दे सर। अच्छा गर्मी में मौसम है, गर्मी में चलाए दे या चलाए दे। अच्छा अच्छा घोड़ी को हिसाब चलाना तो ठीक है। अच्छा घोड़ी से घोड़ी को कम ही चलानी चाहिए। चलो अच्छा रास्ता मत चलाओ तो अच्छा चलो। अच्छा रास्ता अच्छा होना चाहिए, रास्ता अच्छा होना चाहिए, कोई कंकर वाले रास्तों में चला तो मतलब कोई लोग भी बोलते हैं मतलब बुखार वगैरह आता तो उनके छाले उतर जाते, वो बात सही है क्या? तो आइडिया नहीं है। ठीक 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 है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमूल्य समय निकाल के हमें समय देने के लिए। और गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी है आपके इधर ज्यादा ही है गर्मी थोड़ी बहुत। ठीक ठीक ठीक, अगर कोई बाहर से अगर कोई घोड़ी आ रही है तो आप स्टेबल वगैरह कर सकते हो उसको? हाँ कर सकते ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, स्टेबल भी कर सकते हैं, मान लो कोई नहीं रुकती रहे कोई लागत तो उसका ट्रीटमेंट भी करके रुका देते हैं। अच्छा किसी के घोड़ी अगर घोड़ा बार बार खोल रहे हैं और घोड़ी नहीं रुक रही है तो उसको भी? अच्छा उसको भी आप मेहनत करके उसको रुका के? ठीक ठीक ठीक, ये आपका सहयोग रहेगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू सर।